हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूपा जी स्टडी पॉइंट। आइए बुक की रिव्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के ऊपर अगर कोई किताब पढ़ना चाहिए और सबसे अच्छी किताब अगर हो तो वो ये है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। बहुत ही अच्छी किताब है। आप इसको पढ़ोगे आपको पता चलेगा, इसका प्राइस 600 के आसपास ही होगा। और इस किताब में जितना हो सके उतना डिटेल दिया गया है, हर एक चीज़ का यहाँ पे वर्णन किया गया है। और देखिए, इंडियन आर्किटेक्चर और इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, यूनेस्को लिस्ट, टेंजिबल इंटेंजिबल, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, थिएटर, सर्कस और लैंग्वेज, लिटरेचर, रिलीजन, सिनेमा और भी सारे जितने भी पहलू है वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और बहुत ही अच्छी किताब है। इतनी अच्छी तरह से यह किसी भी बुक में मैंने देखी नहीं कि इतनी अच्छी इसका वर्णन किया गया, डिस्कस किया गया है। अब इसके अंदर आपको मतलब हाईलाइट भी किया गया है जो इम्पोर्टेंट है। और इस किताब के और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सारे चैप्टर जो है वो ख़त्म होने के बाद आपको मिलेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस, जितने भी ईयर प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसका, और एक एक्सरसाइज भी आपको मिलेगा। तो बहुत ही बेहतरीन है मेरे ख्याल से, तो ये एकदम परफेक्ट है। ठीक है, सॉरी वो लोड शेडिंग हो रहा था इसीलिए। तो ये देखिए, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो सब कुछ हाईलाइट किया गया है और पिक्चर भी दिया है। सारे के सारे पिक्चर जो आपके इमेज क्रिएट करेगा, आपके अंदर जितने भी डाउट है वो आंखों के सामने आ जाएंगे। और यहाँ पे वर्णन भी किया गया है किसको क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है और अगर इसको पढ़ोगे तो आप UPSC में ये सब्जेक्ट को अच्छी तरह से कर पाओगे। और मैं तो पढ़ती हूँ ऐसी बुक को पूरा लिख लिख के। ठीक है, आपको भी खरीदना पड़ेगा, मेरे बुक तो पढ़ नहीं सकते ना। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।